पटका थाना क्षेत्र में से कहा सुनी के बीच एक आरोपी व्यक्ति ने चाकू से जानलेवा हमला कर अपने साथी को घायल कर दिया। घायल व्यक्ति ने मामले की शिकायत जरीपटका थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को महज एक घंटे के अंदर ही हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक फरियादी रितेश उर्फ कर्मा परिषिक खोबरागड़े अपने दोस्त से मिलने जरीपटका थाना क्षेत्र में आने वाले मोटा बुद्ध विहार में गए हुए थे, जहां आरोपी राहुल खोबरागड़े वहां पहले से ही मौजूद था। जब आरोपी ने फरियादी रितेश खोबरागड़े से तुम यहां मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो इस बात को लेकर विवाद कर लिया और अपने पास रखा हुआ चाकू निकाल कर फरियादी के ऊपर तेज वार कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। हादसे के बाद फरियादी ने जरीपटका थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ थाना में मामला दर्ज करवाया। इसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को महज एक घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी राहुल खोबरागड़े के ऊपर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की जाँच शुरू कर दी है। सर, इसमें रितेश उर्फ कर्मा परीक्षित खोबरागड़े नाम का एक पांठेरा चालक है, वो अपने दोस्त से मिलने मोटा बौद्ध विहार जरीपटका में जो है वहाँ पर मिलने गया था। तो वहाँ पर अपने दोस्त से बात करते हुए ये राहुल खोबरागड़े नाम का जो आरोपी है, रिकॉर्ड पे का आरोपी है, इसके ऊपर पहले भी 12 गुने दाखिल है। ये वहाँ पर आया और इसने उनको कुछ पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो और मेरे खिलाफ बहुत कुछ बातें कर रहे हो, ऐसा करके उनको बोला। तो इसी बात पर उनकी कुछ वाद विवाद हुआ, जिस पर से जिस जो आरोपी है इस गुने का, उसने अपने पास से चाकू निकाला और फिरियादी के ऊपर हमला किया, जिससे वो फिरियादी ने अपने हाथ से उसको रोका, उसके हाथ पे जख्म आया हुआ है, उसको जान से मारने का प्रयास किया। इसके लिए फिर हमने आरोपी की खोजबीन शुरू की और एक घंटे में आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। नहीं, इनका कोई पुराना विवाद नहीं है, तत्कालीन विवाद निर्माण हुआ जिसकी वजह से, और बिल्कुल इसका इसके ऊपर 12 गुने दाखिल है और इसका रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पे का आरोपी है। प्रतिबंधक कार्रवाई वगैरह सब की हुई है, लेकिन उसका कोई इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसके ऊपर पहले 324 385 मतलब एक्सटॉर्शन वगैरह के गुने हैं और 354 जो महिलाओं को छेड़छाड़, वो सब हर तरीके के गुने हैं इसके ऊपर। हमने इसके ऊपर अभी फ़िलहाल में 506 भी और इसको हाफ मर्डर जिसको बोलते हैं, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर, वो सेक्शन लगा हुआ है इसके ऊपर 307। अभी तो फिलहाल कोई जब्ती नहीं है इसके पास में, लेकिन अब देखिए अभी PCR लेकर के गुने में जो इसने वापरा है चाकू, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। NBC न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।